हाय प्रेम आशीड, हम बात करने वाले हैं ईसीसी इंटरनेशनल टी10 चैंपियनशिप वीक का। आज का जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा वो खेले जाने वाला है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज शाम 5:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में रहने वाला है। विनिंग रिकॉर्ड की बात कर लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ना अब तक 111 मैच कंप्लीट हो चुके हैं पिच पर। 47 मैच जीते बैटिंग वेस्ट इंडीज टीम ने, यहाँ पर 63 मैच में चेज हुआ है, एक मैच यहाँ पर नोट रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते इंग्लैंड की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही ना आपको अपडेट ऑफ फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जब आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर बात कर लेते इंग्लैंड की टीम की। देख सकते हो लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 2 मैच हार रही है, 4 मैच विन किए थे। लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे डेन लिंकन ने और सेम यंग ने। लिंक की बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका स्कोर रहा है, 1/68, 57, 22, 40 और 19 रन। सिर्फ पहले मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी लास्ट 5 मैचों में काफ़ी अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए थे। इसी से 37 मैच में 998 रन या 36 का एवरेज रहा था। सेम यंग की बात कर लेते हैं, 18, 10, 0, 41, 46 और 19 रन। सिर्फ एक मैच में 0 किए थे, बाकी पूरी 5 मैचों में काफ़ी अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए थे। इसी के 7 मैच में 152 रन है, 25 का एवरेज है। कैमरन हेम्प की बात कर लेते हैं, 16 और 36, फर्स्ट और लास्ट मैच में दोनों में अच्छी पारी खेली थी, बट लास्ट के 4 मैचों में ये 9 बैटिंग रहे थे। इसी के 5 मैच में 47 रन है, 23 का एवरेज है। डेविड स्कॉट की बात कर लेते हैं, 45-0 के यहाँ पर 3 नॉट आउट, 24 नॉट आउट, 14 नॉट आउट, 2 विकेट और 26 रन। देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर ना 2 मैचों में बॉलिंग मिली थी, 1 मैच में विकेट ऐसे रहा था, बट लास्ट के मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाल पाया था। ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है, अगर बॉलिंग मिलेगी तो आपको प्लस पॉइंट बन जाता है, तो आप अपनी टीम में इसे रख सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं थॉमस वेवन की बात कर लेते हैं, 54-11, 31 नॉट आउट, 4 नॉट आउट, यहाँ पर 9 बैटिंग और 8 नॉट आउट। यहाँ पर देख सकते हो पहले 3 मैचों में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, बट लास्ट के 3 मैचों में ये ना फ्लॉप रहे हैं। इसी से 36 मैचों में 527 रन है, 25 का एवरेज रहा था। प्रेंडी पोलोज की बात कर लेते हैं, 12-0, 3 विकेट, 0 विकेट, 9 बैटिंग और 1 विकेट। यहाँ पर 2 ही मैचों में ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी अच्छी पारी ही नहीं खेले हैं। बैटिंग इनकी थोड़ी डाउन है, बट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, बट आप अपने टीम में मौका ऐसे दे सकते हो, रिस्क है पर चूज कर सकते हो। एंड रिश्तों की बात कर लेते हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। सिर्फ यहाँ पर 3 मैचों में विकेट निकाल पाए थे, 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, हर मैच में आपको 2-2 ओवर डालते ये दिखाई देने वाला है। इसी से 36 मैच में 417 रन है, 26 विकेट है, 55 ओवर डाल के। टॉम हेनले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 विकेट, 86 नॉट आउट, 1 विकेट, 20, 2 विकेट, 40, 1 विकेट और 1 विकेट। काफ़ी अच्छा स्कोर है, हर मैच में आपको 2-2 डालता दिखाई देगा। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ये बेस्ट कर लेता है, मैं जरूर टीम में मौका दूंगा, इसे आप अपना VCB कर सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं कोनहर हैंडो की बात कर लेते हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। पहले 4 मैचों में काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे, क्योंकि ना हर मैच में विकेट निकाले थे, बट लास्ट के 2 मैचों में ये विकेट ले रहे हैं। इसी से 5 मैच में 12 रन है, 7 विकेट है, 7 ओवर डाल के। टॉमी स्टगर्स की बात कर लेते हैं, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। पहले 3 मैच में काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे, बट लास्ट के 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ज़्यादातर आपको हर मैच में 2-2 डालते दिखाई देंगे, इसी से 3 मैच में 0 विकेट हैं। रिच एडवर्ड्स की बात कर लेते हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। हर मैच में आपको 2-2 डालते दिखाई देंगे, और हर मैच में ना ये विकेट निकाल रहे हैं, तो इसी में अपनी टीम में जरूर मौका दूंगा, क्योंकि आपको ना बॉलिंग से काफ़ी अच्छे पॉइंट ये देने वाला है। तो यहाँ से बेंच में से जैसे यहाँ से टी ग्रेटवुड खेलता है ना, तो इसी में अपनी टीम में जरूर मौका दूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। स्टार्टिंग को डाला जाएगा टी स्टेगर्स, आर एडवर्ड्स, डेथ को डाला जाएगा टी हेनली, ए रिस्तो और एप पोलोवर्स। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए मोटर देने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम नीदरलैंड की बात कर लेते हैं। लास्ट 6 मैच के लिए टीम 2 मैच हारी है, 4 मैच विन किए हैं। लास्ट मैच विनिंग की थी ट्यून कोलोपेन ने, और यहाँ से रोहेल वेरागन ने। ट्यून की बात करें तो 11-18, 9 बैटिंग, 6 और यहाँ पर 68 रन। लास्ट मैच में कमाल की बैटिंग की थी, 68 नॉट आउट करके गया है। इसी से 7 मैच में 84 रन है, 14 का एवरेज है।
यहाँ से आ जाता है। रोहेल की बात कर लेते हैं, 18-10 नॉट आउट, नो बैटिंग एक और 13 रन, अभी तक ये बड़ी पारी नहीं खेला है। T10 के 6 मैच में 59 रन है, 1 विकेट है, 1 ओवर डाल के। यहाँ से आ जाते हैं शिवराज से रसूल की बात कर लेते हैं, 1 36 नॉट आउट, 18 और 31 नॉट आउट, इसी के 6 मैच में 36 रन है, 12 का एवरेज है, अच्छा ऑप्शन है, मौका अपनी टीम में दे सकते हो। माइकल लिवेटी की बात कर लेते हैं, 8 24 2 नो बैटिंग 43 और 11 नॉट आउट, यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादातर 2-3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, वो 3 मैचों में काफ़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। यहाँ से आ जाते हैं स्टेवेस ब्रेट की बात कर लेते हैं, 10 0 विकेट 2 विकेट 25 1 विकेट 1 विकेट 17 1 विकेट और 1 विकेट, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा, क्योंकि ना काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है, तो मैं ज़रूर मौका दूंगा, क्योंकि ना आपको ज़्यादातर हर मैच में 2-2 डालते दिखाई देंगे और हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आ जाता है मूसा अहमद की बात कर लेते हैं, इसे मैं ड्रॉप करूँगा। यहाँ से आ जाता है सिकंदर जुल्फिकार की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 36 1 विकेट 0 19 47 और 9 बैटिंग, यहाँ पर देख सकते हो लास्ट के मैच में ना इन्हें बैटिंग मिली नहीं, बॉलिंग भी काफ़ी कर लेता बट यहाँ पर ना लास्ट के मैच में ना तो इन्हें बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, अगर बैटिंग मिलती तो काफ़ी अच्छे पॉइंट देखे जाता, क्योंकि उससे पहले वाले मैच में ना 47 रन की अच्छी पारी है खेला था, इसी के 10 मैच में 156 रन है, 8 विकेट हैं। यहाँ से आ जाए क्लेटन फ्लॉइड की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 14 2 विकेट 0 विकेट 42 2 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, आपको हर मैच में 2-2 डालता दिखाई देगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी कर लेता है, हर मैच में विकेट निकाल रहा है, तो जरूर मौका देना चाहिए। ओलिवर एलिवेंस बाउंस की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, सिर्फ 2 ही मैच में ये विकेट निकाल पाया था, बाकी 4 मैच में विकेट लेस रहा है, इसी के 32 मैच में 253 रन है, 10 विकेट हैं। यहाँ से आ जाता है अर्नव जैन की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट, एक मैच में विकेट ले रहा था, 5 मैचों में काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे, क्योंकि हर मैच में ना 2-2 डालता आपको दिखाई देगा, इसी के 7 मैच में 6 विकेट हैं। यहाँ से आ जाते हैं विवेनय किंगमा की बात कर लेते हैं, 14 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट, 4 मैचों में बॉलिंग की थी बट विकेट लेस रहा है, क्योंकि ना देख सकते हैं यहाँ पर इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है इस मैच में। यहाँ से बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, स्टार्टिंग को डालना जाएंगे वी कनिंगमा और यहाँ से ओ एलिवेंस, डेथ को डालना जाएंगे एस भरत, ओ एलिवेंस ए जैन, जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छी ये देखे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर ही आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आप किसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जब आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में हमारे विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला डी लिंकन को, बैटिंग सेक्शन से टी कलुंगे को, डी स्कॉट को, एस यंग को, ऑलराउंडर सेक्शन से सी प्लॉयड को, टी हेनली को, एस भरत को, एस रसूल को, बॉलिंग सेक्शन से एच जैन को, आर एडवर्ड्स को, सी हेडो को, कैप्टन करने वाला टी हेनली को, वाइस कैप्टन करने वाला सी प्लॉयड को, बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पिछले मैचों में ना हमने अल्ट्रा क्लीनशिप की थी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है, और ऐसे ही सपोर्ट हमारे चैनल बनाए रखिएगा फ्रेंड। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।